नमस्कार, न्यूज जंक्शन 24 आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो बात करते हैं कावड़ यात्रा की। हरिद्वार में कावड़ यात्रा तो संपन्न हो गई, पर कावड़िये हरि के द्वार में हजारों टन कूड़ा छोड़कर चले गए। धर्मनगरी में पहुंचे करोड़ों कावड़िये हजारों टन गंदगी का अंबार लगाकर चले गए। इन तस्वीरों में देखिए। जी हाँ, आपको बता दें, गंगा घाटों के साथ तमाम क्षेत्रों में जगह जगह कूड़े और प्लास्टिक की पन्नी के ढेर लगे हैं। रोड़ी बेलवाला, पंतद्वीप और गंगा नदी के किनारे गंदगी फैली है। दुर्गंध से बुरा हाल है। संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा और ज्यादा पैदा हो गया है। प्रशासन के दावे के मुताबिक कावड़ मेले में करीब 3 करोड़ से अधिक कावड़िये हरिद्वार पहुंचे हैं और कावड़ियों के सैलाब की तुलना में शौचालय जैसी सुविधा नहीं रही, जिससे कावड़िये रोड़ी बेलवाला, उत्तरी हरिद्वार, पंतद्वीप पार्किंग और बैरागी कैंप समेत गंगा किनारे गंदगी कर रहे थे। हर तरफ गंदगी के अलावा कूड़े और प्लास्टिक के ढेर हैं। गंगा घाट भी कूड़े से भरे हुए हैं। शहर के सामान्य दिनों में रोजाना 150 से 200 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है, जबकि स्नान पर्व पर एक दिन में 400 मीट्रिक टन कूड़ा निकल रहा है। अब कावड़ मेले में कावड़ियों का हुजूम उमड़ने के बाद गंगा घाट और तमाम जगह गंदगी है, जिसे साफ करने के लिए अब हर की पैड़ी और गंगा घाटों के अलावा मेला क्षेत्र से कूड़ा सफाई अभियान शुरू हुआ है। डीएम विनय शंकर पांडे का कहना है कि जहां करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां कूड़े का ढेर होना स्वाभाविक है। नगर निगम की टीम शहर में साफ सफाई की स्थिति में सुधार के लिए 24 घंटे काम कर रही है। तो देखा आपने हरिद्वार का हाल, धर्मनगरी कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर लेटेस्ट खबर को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24। नमस्कार।